इच्छाधारी नागिन। एक दिन जंगल में हंगामा हो जाता है। चारों तरफ आग की तरह ये खबर फैल जाती है कि बरसों पहले जिस नागिन को इंसान पकड़कर ले गए थे वो अचानक आ गई है। उसमें दो बातें हो गई है। एक तो उसे इस बात का जंगल वालों से गुस्सा है कि इंसान उसे पकड़कर ले गए, फिर भी कोई भी जंगल का जानवर उसे बचाने नहीं आया। और दूसरी, इतने बरस इंसानों के बीच रहकर तपस्या करते हुए वो नागिन अब इच्छाधारी नागिन बन गई है और वो जब चाहे तब अपनी इच्छा से किसी का भी रूप ले सकती है। सुनकर पूरे जंगल के जानवर सरप्राइज हो जाते हैं। यहाँ तक कि जंगल के राजा शेर भी सरप्राइज हो जाते हैं कि वो इच्छाधारी नागिन किसी का भी रूप ले सकती है। ऐसा कैसे हो सकता है? पर शेर के दरबार के जंगली जानवर कहते हैं कि हमने अपनी आंखों से देखा है। सुनकर शेर उस नागिन को अपने दरबार में हाजिर होने के लिए संदेश भिजवाना चाहता है तो उनका सेनापति भालू कहता है, महाराज वो नागिन आपसे भी गुस्सा है। क्यों? उसका कहना है कि जब इंसान उसे पकड़कर शहर ले गए थे तो आप भी उसे बचाने के लिए नहीं आए। अरे तो क्या हम शहर में धावा बोल देते, वो भी इंसानों के बीच? अरे तुम्हें तो पता है हम शेर भले ही सबसे खतरनाक जानवर कहलाते हो पर इंसान से ज्यादा खतरनाक और ताकतवर जानवर कोई भी नहीं है। हम इंसानों से कैसे पंगा ले सकते थे? ये बात तो उसे समझानी पड़ेगी महाराज। तो समझाओ और उसे हमारे सामने लेकर आओ, हम भी तो इच्छाधारी नागिन को देखने की हमारी इच्छा पूरी करें। और शेर महाराज के कहने पर भालू उसे बुलाने उसके बिल के सामने पहुंचता है। नागिन, ए नागिन। नागिन नहीं, इच्छाधारी नागिन बोल। अच्छा, इच्छाधारी नागिन, शेर महाराज ने तुम्हें बुलाया है। क्यों? वो तुम्हें देखना चाहते हैं। हटा, हटा! इच्छाधारी नागिन की जय हो। बोलो, क्या इच्छा है तुम्हारी? नागिन देवी, मेरी केला खाने की इच्छा है पर कहीं मिला नहीं। तथास्तु, सामने के बिल में हाथ डालो, केला मिल जाएगा। अरे क्या नाटक है? नाटक नहीं, हकीकत है। ये इंसानों के बीच रहकर इंसानों से तपस्या सीखकर इच्छाधारी नागिन बन गई है। अपनी इच्छा से अपना रूप बदल सकती है और हमारी इच्छा भी पूरी कर सकती है। बस चलो, तुम्हारे हमारे शेर महाराज ने बुलाया है। नहीं आऊंगी। तुम्हें तो आना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हें उठा कर ले जाऊंगा। नागिन अपनी इच्छा से हाथी का रूप बदलकर इसे सबक सिखा दो। हाथी राज हट जाओ, मुझे नागिन को शेर महाराज के दरबार में लेकर जाना है। भालू, मैं हाथी नहीं नागिन हूँ। नागिन? और नागिन के हाथी रूप से मार खाकर शेर के सामने पहुंचने पर जब वो सब उसे बताता है तो शेर को यकीन नहीं आता है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था, मगर वो नागिन हाथी का रूप लेकर नागिन की ही आवाज में बात कर रही थी। हाथी नागिन की आवाज में बोल रहा था? काश ये सीन हम भी देख पाते। चलो अभी उसको अपने पंजे पर लपेट कर लेता हूँ। और शेर महाराज भालू के साथ नागिन के बिल के पास पहुँचते हुए दहाड़ते हैं। ए नागिन! नागिन नहीं, इच्छाधारी नागिन। इच्छाधारी नागिन,
बाहर निकल, अभी मैं तेरी सारी इच्छाएं पूरी करता हूँ। ले, किसका रूप ले सकती है तू? बाहर आती है या तोड़ दूं तेरा घर। अरे भाग कर कहाँ जाएगी? मैं पेड़ पर चढ़ जाऊंगी। तू तो पेड़ पर नहीं चढ़ पाएगा ना? तू भी कहाँ चढ़ पाएगी? मैं इच्छाधारी नागिन हूँ, बंदर बनकर चढ़ जाऊंगी। महाराज वो देखिए, वो तो बंदर का रूप लेकर पेड़ पर चढ़ गई। अब पकड़ कर दिखा मुझे। दम है तो नीचे आ, बताता हूँ। मैं इच्छाधारी हूँ, ले तेरी इच्छा पूरी कर दी। अब आगे आगे नागिन और पीछे पीछे शेर महाराज भागते हैं। अचानक एक जगह पहुंचकर शेर नागिन पर जंप मारते हैं। नागिन तो अपनी जगह से हट जाती है, मगर शेर उसके ऊपर से होता हुआ वही बने गहरे गड्ढे में गिर जाता है। ये देख ऊपर से नागिन उसे देखकर फुफकारती है। नीचे से शेर गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर निकल नहीं पाता है। अचानक शेर देखता है कि फुफकारती हुई नागिन की जगह एक खतरनाक शेर खड़ा है। उसे देखते ही, अरे तुम कौन हो? पहले तो कभी तुम्हें इस जंगल में नहीं देखा। मैं नागिन हूँ मूर्ख, अपनी इच्छा शक्ति से मैं शेर के रूप में आ गई हूँ। अब तो यही मर, मैं तेरी जगह इस जंगल में राज करूंगी। और दहाड़ता हुआ शेर बनी नागिन वहां से चली जाती है। शेर बेचारा गड्ढे में कैद उसे देखता रह जाता है। अब वो अपने आप पर पछताता है कि क्यों उसने ये जानते हुए भी कि नागिन इच्छाधारी है, किसी का भी रूप ले सकती है, उससे पंगा ले लिया। अब तो उसका राजपाट भी गया, उसके सारे साथी नागिन के जय जयकार करेंगे। वो बेचारा रोने लगता है। तभी अचानक गड्ढे के मुहाने पर भालू, लकड़बग्घा, सियार आते हैं। महाराज! अरे तुम लोग, आप निराश मत होइए महाराज, हम आपको बचाने आए हैं। और वो सभी एक दूसरे की टांग पकड़कर रस्सी बनकर गड्ढे में लटके, और शेर उनकी टांग पकड़कर रस्सी की तरह ऊपर की ओर चढ़कर निकल आया। बाहर आकर सभी ने मीटिंग की। शेर भालू की बात सुनकर सियार ने कहा, एक काम करते हैं, हम नेवले भाई से कहकर नागिन को पकड़ लेते हैं, फिर देखते हैं वो किसका रूप लेती है और क्या करती है। और उन्होंने नेवले की मदद से अपने बिल के अंदर जा रही नागिन को अचानक पकड़वा लिया। नेवले ने उसे अपने मुंह में दबोच लिया। ये देखते ही नागिन छटपटाने लगी, अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर छुड़ा नहीं पाई। तभी शेर भालू सियार वहाँ आते हैं। उसे छटपटाते देख सियार कहता है, क्यों छटपटा क्यों रही हो? तुम तो इच्छाधारी नागिन हो, नेवले को पकड़ने वाले सपेरे का रूप लेकर अपने आप को छुड़ा लो। जब कोई मुझे मुंह में पकड़ कर रखता है तो मैं रूप नहीं ले सकती। तब तो अच्छा है, नेवले भाई तुम इसे मुंह में ही दबाकर मार दो, कम से कम हम इसकी इच्छाओं से शिकार होने से बच जाएंगे। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे बचा लो। अरे मैं इच्छाधारी नागिन नहीं हूँ। क्या तुम इच्छाधारी नागिन नहीं हो? नहीं। तो फिर वो मुझे मारने वाले हाथी का रूप और वो पेड़ पर बंदर का रूप लेकर कैसे चढ़ गई थी तुम, और शेर का रूप लेकर मेरे सामने कैसे आ गई थी तुम? अरे वो तो मेरी चाल थी, इंसानों के बीच रहकर मैंने ये सारे पैंतरे सीखे थे, वही रहकर मैंने इच्छाधारी नागिन के बारे में सुना था। पर तुम रूप कैसे बदलती थी? ये रूप नहीं बदलती थी शेर महाराज, आप लोगों ने नोट नहीं किया, ये जब चट्टान के पीछे भागी तभी पीछे से हाथी निकला, पेड़ के पीछे भागी तभी बंदर बनी। इसका मतलब चट्टान के पीछे और पेड़ के पीछे इसके हाथी और बंदर साथी पहले से छुपे थे कि ये वहाँ जाकर छुप जाएगी और वे सामने आ जाएंगे,
फिर वे मुंह हिलाते थे और नागिन पीछे से बोलती थी। तो आप लोगों को लगता था कि रूप बदलने के बाद भी नागिन अपनी आवाज में बोलती है। और वो शेर जब मैं गड्ढे में गिर गया था तब जो मुझे देख रहा था वो हमारे दुश्मन जंगल का शेर है महाराज, जो इसके साथ मिलकर आपको गड्ढे में बंदी बनाकर आपके जंगल राज पर कब्जा करना चाहता था। तुम्हें ये सब कैसे पता? आप लोगों की बात सुनकर हमें लगा दाल में कुछ काला है और बस मैंने उस दुश्मन शेर से कहा कि गड्ढे में आपकी मौत हो गई है, वो तुम्हारी लाश देखने आया तो मैंने उसे उसी गड्ढे में ढकेल दिया। अब वो वही कैद है, उसी ने ये सारी सच्चाई बताई मुझे। ओह, काश इंसानों के बीच रहकर ये जो सब तुमने सुना था सीखा था उसका सही उपयोग किया होता तो आज जंगल के बच्चे ऐसा जादू देखकर कितने खुश होते, मगर तुमने उसका दुरुपयोग करके हमें ही नहीं अपने आप को भी जिंदगी भर के लिए परेशान कर लिया। सचमुच बच्चों, इंसान हो या जानवर, उन्हें अपने सीखे हुए हुनर का कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, वरना अंजाम हमेशा बुरा ही होता है।